दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी में कर्मचारियों के पैसे बकाया को लेकर एमसीडी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि कर्मचारियों को वेतन के भुगतान में देरी और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। और क्या कुछ कहा कोर्ट ने सुनवाई के दौरान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को वेतन के भुगतान में देरी और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में विफल रहने पर दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर वेतन भत्ते नहीं दिए गए तो नगर निकाय को भंग करने का निर्देश दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि जब आप कर्मचारियों को भुगतान नहीं कर सकते तो आपसे विकास कार्यों की उम्मीद कैसे की जा सकती है। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जज मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने एमसीडी के वकील से कहा कि एमसीडी का कहना है कि राज्य सरकार भुगतान करेगी या केंद्र भुगतान करेगा, ये आपके कर्मचारी है, ना कि आतंकवादी समूहों के कब्जे वाले लोग हैं जिनके लिए कोई फिरौती देने को तैयार नहीं है। उन्हें वेतन मिलना चाहिए, ये आपका वैधानिक दायित्व है। पीठ ने एमसीडी को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आप वेतन नहीं दे सकते तो आप सातवें वेतन आयोग को लागू नहीं कर सकते, तो आपसे विकास कार्य करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है, कौन सा ठेकेदार आपके लिए काम करेगा। कोर्ट ने आगे कहा कि आपको ऐसा लगता है कि मानो यह कोर्ट दान पुण्य है जो आप कर रहे हैं, ये वैधानिक बकाया है, हर महीने तो वो आ नहीं सकते, आपको समय पर भुगतान करना होगा, ये इस तरह लंबा नहीं खींच सकता। खुद को आर्थिक रूप से सक्षम बनाए, यदि आप नहीं कर सकते तो आपके पास रुकने का कोई काम नहीं है, इससे कुछ बेहतर सिस्टम सामने आना चाहिए। उधर एमसीडी के वकील ने कहा कि निगम एकीकरण के बाद स्थितियों में सुधार हुआ है, जनवरी महीने तक का वेतन और पेंशन का भुगतान किया है। इस पर पीठ ने कहा कि वो इससे बेहतर प्रणाली का इस्तेमाल करे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।